हेलो नमस्कार, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं जो ये डेंटस के मेरे चार पौध हैं इनका मैं क्या करूँगी, पिंचिंग करूँगी। इसका तो थोड़ा डेंटस का जो है नीचे से करना पड़ता है, ऐसे ऐसे काट के ऐसे ऐसे पूरा कर देने पर जो जो सूखे हैं सब निकाल देना पड़ता है इनको। फिर नीचे से नए आएंगे इनका और ये फिर भूसी भूसी होगा। ये वाला प्लांट जो है ये हर बारहमासी रहता है, जैसे एक बार लगा दिया तो हर बार ये लगाना पड़ता है, थोड़ा इनका केयर करना पड़ता है, ध्यान देना पड़ता है इनका। जैसे कभी लिक्विड खाद डाल दिया, कभी इसमें वो डाल दिया फंगीसाइड डाल दिया, कभी इसमें वो डाल दिया थोड़ा सा यूरिया घोल के डाल दिया, ताकि इनका जो है ग्रोथ अच्छा हो। और फूल तो खैर आजकल इनमें बहुत कम खिलते हैं, लेकिन फिर भी निकलते रहते हैं इनका फूल। जब पिंचिंग करेंगे तभी, नहीं तो ये जो ग्रोथ जो है ये रोक देंगे इनका ग्रोथ, इसका फूल का। और बहुत तो ऐसा भूसी भूसी होगा तभी इनका अच्छा रहेगा। ये जाड़े में तो बहुत अच्छा खिलते हैं ये फूल, गर्मियों में तो अभी ही थोड़ा कम खिलते हैं, नहीं खिलते ज़्यादा, लेकिन थोड़ा बहुत निकलते ही हैं। फिर भी इनका बार बार इनको काटना ज़रूरी होता है, और इनमें बार बार थोड़ा खाद डालना। पॉट छोटा सा है, इसमें खाद तो एक बार डाल रखा है मैंने जब लगा रहे थे, तो अब इसमें हम लिक्विड खाद डालते हैं हर 10 दिन में, हर 15 दिन में, जैसे सब उसमें डालेंगे प्लांटों में ऐसे इनमें भी डालेंगे। और बार बार इनका कटिंग करके अच्छे हो जाते हैं, हर कलर के मिलते हैं। मैं फिर रखूँगी और इनको फिर अच्छे से ग्रो करूँगी, इनको ऐसे काट कट के इनका जो है सूखे हुए डंडे सब निकाल देंगे। इनका कोई काम भी नहीं है वैसे भी, और ऐसे काट काट के सब इनका सफाई कर देंगे। आप लोग भी लगाइए ऐसे ही, ये तो बहुत इतना अच्छा है, इसको एक बार लगाओ तो ज़रूरत नहीं पड़ती। मेरा तो करीब ये तो हो गए साल भर के हैं ये, एक एक साल में। और थोड़ा सा इसमें गुड़ाई कर देंगे ऐसे करके, गुड़ाई करके, और कभी इसमें थोड़ा सा थोड़ा खाद डाल देंगे। खाद तो खैर इसमें नहीं पड़ेगा, थोड़ा है ये, लेकिन लिक्विड खाद इसमें हर बार डालना पड़ता है। मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो कैसे लगा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद, आप लोग भी लगाइए ऐसा।